जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने धामपुर तहसील परिसर का निरीक्षण किया। पहली बार धामपुर तहसील परिसर पहुंचने पर जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद जिलाधिकारी ने अभिलेखों की गहनता से पड़ताल करते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से कार्य के संबंधित जानकारी ली। तहसील दिवस में आने वाली समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए कि तहसील दिवस में आने वाली समस्याओं के जल्द निस्तारण में अगर लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई होगी। साथ ही डीएम ने तहसील दिवस में आने वाली समस्याओं के समाधान की पुष्टि के लिए शिकायतकर्ताओं से फोन पर ही बातचीत करके फीडबैक भी ली और अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की समस्या के समाधान के लिए शिकायतकर्ताओं की फीडबैक अवश्य ली जानी चाहिए। निरीक्षण के दौरान जहां तहसील अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप सा मचा रहा, आम जनता में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निरीक्षण को लेकर खासा उत्साह देखा गया, जिस कारण शिकायतकर्ता भी भारी संख्या में शिकायत लेकर पहुंचे। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने सभागार कक्ष में लेखपालों की बैठक बुलाई और स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर लेखपालों को सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने संबंधी कार्यों में कोई दिक्कत आ रही है तो वे किसी भी समय उनसे बता सकते हैं, लेकिन आम जनता के कार्यों में अगर विलम्ब होगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसील परिसर के बाद जिलाधिकारी धामपुर कोतवाली परिसर पहुंचे और कोतवाली निरीक्षण के बाद पुलिस टीम से बातचीत करते हुए लंबित पड़े कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। वाहन चोरी और जेल तक की घटनाएं भी हो रही हैं, बड़ी लूट भी अभी हुई है। एक हाई प्रोफाइल केस में 5-6 महीने से पेंडिंग है, 2 केसेस में गैंगस्टर का काम हुआ है, 30 केसेस में मुद्दा हुआ है, सबसे ये दर्शाता है कि अभी तक कठुआत होकर प्रयास नहीं है। आप सब में पोटेंशियल है, कोई समस्या आती है तो मुझे बताइए, निडर होकर काम कीजिए, किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्ती से काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। अब 1 महीने में मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसे साहब नहीं आएंगे, कोई समस्या आती है या अवस्था में सुनाएंगे, कोई कमी है, कोई कमी होने नहीं देंगे, वैसे ही कोई कमी नहीं है। मुझे जरा सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, अभी घूम के देखूंगा, जो भी जरूरत है सब लगा देंगे। आरओ सिस्टम है यहाँ पे, आप ही के नाम में डिस्ट्रीब्यूटर 70 लोग अभी भी जिले में हैं, क्यों होना चाहिए? गंभीर अपराधों में या किसी भी मामले में नामजदों की संख्या घटनी नहीं चाहिए, नामजदों की संख्या बढ़नी चाहिए, धाराएँ बढ़नी चाहिए, कोर्ट में जो तय होगा होगा, और FIR लगने से मुझसे बुरा कोई नहीं, सख्त कार्रवाई हो जाएगी, उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। 2 महत्वपूर्ण चुनाव अभी हो रहे हैं, अगले साल अगले और बड़ा चुनाव आ रहे हैं, 3 चुनाव आपको 1 साल में इसमें बताने, निष्पक्ष स्वतंत्र कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये हालत तो बहुत बुरा है, लेकिन काम होना है, जो मैं यहाँ पे किसी सिपाही को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वेतन 1 तारीख को मिला सबको? मिला सर 1 तारीख। कुछ अवस्थापना सुविधाओं में कमी पाई गई और ये क्योंकि ये नियमित इलेक्शन था, पहले से बोल के आए थे, काफ़ी साफ़ सफाई और सभी व्यवस्थाएं मिली हैं, कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं में कमी मिली है, उसके लिए मैंने निर्देशित किया है, सूचीबद्ध कर दिया है, समयबद्ध कर दिया है और संबंध को निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होगी। ये सुधारात्मक निरीक्षण था, इसमें मैंने सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि पूरे पारदर्शिता के साथ अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, निर्भीत होकर निडर होकर काम करेंगे, स्वतंत्र सुशासन चलाने का कोशिश करेंगे और जहाँ भी कोई समस्या आती है मैंने उनको अपना आश्वस्त किया है कि हमारी टीम उनके साथ रहकर काम करेगी। धन्यवाद। कौन से साल का क्या है, जो भी आपका सिस्टम यहाँ बना हुआ है 10-15 साल 20 साल जो भी विरोध करने का, उसके अलावा जो भी रखा है वो 30 साल यहाँ यहाँ रखा है, होना पड़ेगा, आप रहो या ना रहो कोई ना कोई यहाँ पे होता रहेगा, एक भी दर्द करा दे वो दर्द हो जाएगा। ठीक है, अभी आप दूसरे समस्या पे आ गए, सुनो ना, इसका मतलब ये सुनिए, पहले मैं उनको अरेस्ट करूँगा और उनकी छानबीन करूँगा, आपके मामले की पूरी गहन तहकीकात होगी, जो सही है वही होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आप घर जाओ। तहसील का घर अमीनों में रहना चाहिए, 12 लाख का दाखिला एक तहसील के लिए, एक परगना के लिए 20 लाख का, एक तहसील के लिए, ये क्या आवाज सुनी हो गई? ये पैसा किसी के घर बन के आएगा, किसी का पेंशन बन के आएगा, हमारी और तुम्हारी तनख्वाह बन के आएगा वापस?
और यहाँ पे आम जनता जो आती है उनको सेवाएं जो सेसिल से माध्यम से होते हैं, चाहे वो खतौनी उपलब्ध कराने वाले हो, दाखिल खारिज होने वालों, अमल दरामद होना है, प्रमाण पत्र निर्गत करने, सारी सेवाएं जो तहसीलों के माध्यम से दी जाती हैं उसको सुधार किया जाए और उसमें पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध हों, ये हमारा इसमें मकसद है। बस थैंक यू।